दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे रहस्यमय डाकू लेके आया हूँ जिनका राज आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाया है, जिन्हें कुछ लोग श्रापित और कुछ भूतिया मानते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप भूलकर भी वहाँ नहीं जाना चाहोगे। बेरमेजा आइलैंड मेक्सिको के नजदीक समुद्र में मौजूद ये आइलैंड कई सालों से लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है, जिसे 16वीं शताब्दी से कई मैप पर भी देखा गया है, पर असल में उस जगह पर कोई भी आइलैंड मौजूद नहीं है। कई मछुआरों ने और वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। लोग मानते हैं कि बर्फ के पिघल जाने की वजह से शायद वो डाकू पानी में डूब गया होगा, या फिर वो कोई बड़ा रहस्यमय जानवर है जिसे लोग एक डाकू समझ लेते हैं। निकोलो जेनो, साल 1558 में एक फेमस एक्सप्लोरर निकोलो जेनो ने एक मैप पब्लिश किया, जिसमें उसने एक ऐसे डाकू को मेंशन किया जिसके बारे में लोगों ने पहली बार सुना जब वो उसे वहाँ खोजने निकले ताकि वहाँ पर एक नई दुनिया बसा सके, तो उन्हें उस जगह में कुछ भी नहीं मिला। और फिर कई शताब्दियों तक मैप पर ये जगह अलग अलग लोकेशन पर दिखाई दी, जो कि इतिहासकारों के लिए आज भी सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। सरगाजो सी, जब आप नॉर्थ अटलांटिक के ओशन के नजदीक से गुजरोगे तो आपको पानी में हर तरफ समुद्री घास दिखाई देगी, जिसका किनारा ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसे एक श्रापित जगह माना जाता है, क्योंकि 19 सेंचुरी में एक फ्रेंच शिप को इस घास के अंदर खोजा गया जिसके पाल खुले हुए थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। जिनके रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने से लोग ये मानने लगे थे कि पानी में मौजूद समुद्री घास नरभक्षी है, क्योंकि समुद्र का पानी ठंडा होने के बावजूद ये घास हमेशा गर्म रहती है। ओवेट आइलैंड अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच मौजूद ये डाकू पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिसे पहली बार साल 1739 में खोजा गया, लेकिन लगभग 200 साल बाद पहली बार इंसान का पैर इस जगह पर पड़े। और फिर कुछ साल बाद उस जगह पर वेदर स्टेशन बनाने के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब दिखा, क्योंकि वहां पर पहले से ही एक बोट और कुछ सामान मिले, लेकिन किसी भी इंसान का सबूत तक नहीं मिला, क्योंकि एक छोटी नाव से यहाँ इतनी दूर कैसे आ गया। ये राज उसी के साथ चला गया। बिग बीच बहामार्च में मौजूद इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता, पर आपको इस जगह हर तरफ पिग जरूर घूमते हुए दिख जाएंगे। वहाँ आने वाले टूरिस्ट से ये खाना मांगते रहते हैं, जहाँ ये पिग पानी में काफी अच्छे से तैर सकते हैं। इनको इस डाकू पर कौन लाया होगा, इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि ये पिग किसी जहाज के डूबने पर वहाँ से बचकर यहाँ आ गए, जो टूरिस्ट के दिए हुए खाने से जिंदा रहते हैं। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कई समय लगे, लेकिन आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स पर सेकंड पार्ट जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।